स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि JKSSB ने कल दो इंपॉर्टेंट अपडेट निकाल के क्लास फोर्थ के उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए सबसे पहले एलोकेशन ऑफ कैडर की एक लिस्ट निकाली। उसमें एनेक्शन ए में बहुत सारे कैंडिडेट दिए गए थे, लेकिन उनमें भी 500 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम इसमें नहीं आया है। इसके रिगार्डिंग मैंने JKSSB को कल ही ईमेल कर दी थी और क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि उन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। जैसे ही वो अपडेट आएगी वीडियो के थ्रू आपको मैं अपडेट कर दूंगा। नंबर टू, जहाँ पे JKSSB ने कल एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाल के उन सभी जो एनेक्शन ए में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे जहाँ पे प्रेफरेंस मांगी है, क्योंकि अब आपको डिपार्टमेंट की एलोकेशन की जानी है तो आप अपनी प्रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर भी हम कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं। जैसे ही JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका लिंक लाइव हो जाएगा। इन बिटवीन जहाँ पे JKSSB अभी एक और नोटिफिकेशन निकाल के JKSSB क्लास फोर्थ के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मन में एक और हलचल तेज कर दी है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में JKSSB का क्या मैसेज है। तो नंबर वन, जहाँ पे सब्जेक्ट में आप देखेंगे विदड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर ऑफ क्लास फोर्थ पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 रिगार्डिंग। तो जहाँ पे विदड्रॉल कैंडिडेचर की बात कही गई है, अभी भी JKSSB ने उन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट में से अगर कोई ग्रेजुएट है तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है कि आप अपने कैंडिडेचर को विदड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी स्टेज पे ऐसा पाया गया कि आप प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं तो आपके कैंडिडेचर को तो कैंसिल किया ही जाएगा, इसके साथ साथ लीगली जो भी कार्रवाई होगी वो भी आपके अगेंस्ट की जा सकती है, क्योंकि आपने फॉल्स एफिडेविट भी सबमिट किया है। तो इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, वेयर एज द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बाय एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2020 डेटेड जो कि 26 जून को निकाला गया, 8575 पोस्ट निकाली गई थी क्लास फोर्थ की डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन वाइज यूटी कैडर वाइज, इस बात की जहां पे क्लैरिफिकेशन दी गई है अंडर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 के तहत इनको निकाला गया था। स्टेप नंबर टू में यहां पे कहा गया कि आपका OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जामिनेशन JKSSB के द्वारा कंडक्ट करवाया गया, तो जहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला। यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री में JKSSB का कहना है कि नोटिफिकेशन में सबसे पहले ही इस बात को क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए जो कि क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 होनी चाहिए थी कैंडिडेट की। नंबर फोर में जहाँ पे JKSSB कहा गया कि वेयर एज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टेम्पलेट फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट द कैंडिडेट वर आस्क्ड फील स्पेशली वेदर दे आर ग्रेजुएट आर नॉट, तो JKSSB ने बोला था कि जब हमने ऑनलाइन फॉर्म इसका निकाला था तो उसमें टेम्पलेट में एक ऑप्शन था जिसके बाद फॉर्म को आगे प्रोसीड होता था, अगर आप ग्रेजुएट अब वहाँ पे यस करते तो फॉर्म आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाते थे, तो वहाँ पे आपने नो किया तभी आपने फॉर्म फिल किया। तो इस बात की जहाँ पे JKSSB ने क्लैरिफिकेशन दी है। स्टेप नंबर फाइव में जहाँ पे बोला गया है बेयर एज कंडीशन जो कि स्टेप नंबर सिक्स पैरा नंबर थ्री एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन 01/2020 में इस बात की बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं वो क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी अपनी एक अपील को दाहिर किया, जैसे कि आप देखते हैं टाइटल NK Tripathi एंड अदर्स। तो इसके बाद बात को हाईलाइट किया गया था कि JKSSB के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें स्टेप नंबर सिक्स पैरा नंबर थ्री में मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसे इस नोटिफिकेशन से हटा देना चाहिए, क्वैशमेंट कर देनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो कि ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो फैसला आया, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर सेवन में JKSSB का कहना है कि बेयर एज द ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू के द्वारा एक जजमेंट जारी की गई जिसमें कोर्ट ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उस कंडीशन को जहाँ पे क्वैश करूँ, तो इसलिए JKSSB के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट में जो भी चीज़ें बताई गई हैं ऐसे ही रखा जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी उस अपील को भी खारिज कर दिया, तो इसलिए कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इस नोटिफिकेशन में रहने ही वाली है, आप जहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप नंबर एट में JKSSB का कहना है कि बेयर एज द डाटा अवेलेबल विद JKSSB इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट हैविंग ग्रेजुएट आर अबव एज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड फॉर विच द रिटन एग्जामिनेशन वर हेल्ड रिसेंट पास्ट, तो जहाँ पे JKSSB कहना है कि कुछ ऐसे एग्जामिनेशन पास्ट में जो कि JKSSB द्वारा कंडक्ट करवाए गए उनमें ऐसे कैंडिडेट ट्रैक
किए गए हैं जिन्होंने ग्रेजुएट बेसिस पे भी कुछ ऐसी पोस्टों के लिए एग्जाम दिया और उन्होंने क्लास फोर्थ के लिए भी अपना जो कि सिलेक्टेड लिस्ट में वो भी आए हुए थे। तो ऐसे कैंडिडेट तो ट्रेस हो गए कि वो ग्रेजुएट है। जेकेएसएसबी का सिंपली यही कहना है कि जेकेएसएसबी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशन को जहाँ से पता किया जा सके, इसलिए अभी भी उन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट से जिनको कैडर की भी एलोकेशन हो गई है, आपको जहाँ पे जेकेएसएसबी तरफ से एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 14 में बेयर एज द जेकेएसएसबी हैज़ टेकन ऑल पॉसिबल स्टेप। जेकेएसएसबी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है कि आपकी जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन है उसको उसे जाना जा सके। लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी कैंडिडेट को जहाँ पे फिर भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अभी भी अपनी क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए आप अपने आप को विदड्रॉ कर सकते हैं अगर आप अभी भी ग्रेजुएट हैं और अभी आपने जो कि फॉल्स एफिडेविट भी सबमिट कर दिया है। अदरवाइज़ जहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी सिलेक्शन तो चलो हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी आपकी वेरिफिकेशन जहाँ पे की जाएगी तो आपने देख लेना कि आपने जहाँ पे क्या करना है। मैं आपको जहाँ पे कोई डराने वाला नहीं हूँ, जो जहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बोला गया है मैं वही आपको जहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 15 में जहाँ पे कहा गया है बेयर एज डिस्पाइट ऑल द मेजर्स टेकन बाय द जेकेएसएसबी एज एक्सप्लेन्ड हियर इन अबव, तो इफ एनी कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो जहाँ पे आप देख लीजिए स्टेप नंबर 15 में जहाँ पे जेकेएसएसबी कहना कि ऐसे कैंडिडेट जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के अपने एफिडेविट सबमिट करवा के अगर वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं नेसेसरी एक्शन विल बी इंक्लूड कैंसिलेशन ऑफ सिलेक्शन। नंबर वन, आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिसके लिए आपने बहुत सारी खुशी मनाई होगी उसे भी कैंसिल कर दिया जाए। की बात करें इस नोटिफिकेशन का जो पूरा मेन मकसद था वो इस मैसेज को देने का था जहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ देयरफॉर इन व्यू ऑफ The above, all such higher qualified candidate, उन सभी higher qualified candidate को जहाँ पे information दी जाती है अगर आप किसी भी तरीके से false information देके select हो चुके हैं तो आपके लिए जहाँ पे एक message है तो आप जहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने अपनी misrepresentation दी है or informed that their candidature shall be deemed टू वी हैव बीन कैंसल्ड, तो आपके कैंडिडेचर को कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर जब भी पता चलेगा आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इफ एट एनी स्टेज लेटर बाद में भी पता चलेगा इट इज़ प्रूव्ड दैट दे डू नॉट पोजेसेस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये होगा कि वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन की थी उसे होल्ड नहीं करते थे। बिसाइड इसके अलावा शैल बी लाइएबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, आपके अगेंस्ट आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है फॉर गिविंग फॉल्स एफिडेविट, जिसमें आपने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने इस बात को कबूल किया कि आप 10+2 से हायर क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इन दी लाइट ऑफ द जजमेंट रेंडर्ड बाय द अपेक्स कोर्ट इन दिस रिगार्ड, इसके रिगार्डिंग जो अपेक्स कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट दे दी थी कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेके, तो जहां पे आप देख सकते हैं जो कि जेकेएसएसपी के द्वारा इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है, इस नोटिफिकेशन में जो भी बातें जेकेएसएसपी ने कैंडिडेट तक पहुंचाने की कोशिश की है मैंने उन्हीं चीज़ों को जहाँ पे आपको बताया है। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है ग्रेजुएट को हर्ट करने का, मेरी सम्पत्ति आप लोगों के साथ भी है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो भी मैसेज जिन भी कैंडिडेट्स के लिए है वो मैंने आपको जहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ।